क्या आप डिप्रेशन में हैं? क्या आप भी दुख दर्द और पीड़ा से जूझ रहे हैं? क्या आप भी खुशी की तलाश में हैं? तब आप चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा बेगैरत देश जिसने अपनी बेइज्जती कराने की कसम खाई हुई है। और मजे की बात यह है कि जिस भी देश को मौका मिलता है वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर नंगा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। कहते हैं कि डिप्लोमेसी में चेहरे के हाव भाव के साथ आंखों की भाषा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, और जब दो देशों के नेता मिलते हैं तो उनकी चंद सेकंड्स की मुलाकात से ही पता चल जाता है कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते कैसे हैं और आगे कैसे होने वाले हैं। जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शिखर सम्मेलन से पहले बिलावल से मिले तो 15 सेकंड के वीडियो में उन्होंने पूरी तरह से साफ कर दिया कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कोई औकात नहीं। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ 15 सेकंड का रहा, लेकिन इन 15 सेकंड्स में एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के रवैये से भारत बिल्कुल खुश नहीं है। भले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के बाद पाकिस्तान लौट चुके हो, अब इसी क्रम में एस जयशंकर ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए भुट्टो को भिगो भिगो कर धोया, जिसकी शायद पाकिस्तान को उम्मीद भी नहीं होगी, मगर हम भारतीयों को चरम सुख की प्राप्ति जरूर हुई। जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी के उन मिनिस्टरों में से हैं जिन्होंने ठग लाइफ को नहीं बल्कि ठग लाइफ ने उन्हें चुना है। स्प्राइट के ब्रांड एम्बेसडर भी जयशंकर ही हैं, क्योंकि सीधी बात नो बकवास में इनका अलग लेवल का ही विश्वास है। गोवा में विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने बिलावल को साफ संदेश दिया कि आतंकवाद के अपराधी और पीड़ित एक साथ नहीं बैठ सकते। बिलावल के हर बयान पर जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लपेटा। जयशंकर ने बिलावल के कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर दिए बयान पर भी फटकार लगाई और कहा कि आर्टिकल 370 अब बीते जमाने की बात हो गई है, जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। आसान शब्दों में कहें तो जयशंकर ने पाकिस्तान को समझाया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, इसलिए कश्मीर के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि अगर बाप का दिमाग जिस दिन भी फिर गया उस दिन पाकिस्तान जैसी निकम्मी औलाद का नामो निशान तक इस धरती से मिट जाएगा। अमन की आशा के गीत गाने से अच्छा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, जो भारत सरकार अच्छी तरह से देना जानती है, क्योंकि भारत जानता है कि हम भले ही अपने रिश्तों को सुधारने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आतंकवादी पाकिस्तान केवल पीठ में छुरा भोंकने का ही काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।